बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाए जा रहे हैं अंडा कोफ्ता, जिसके लिए सबसे पहले हम एक पतीले में हाफ कप ऑयल ले लेंगे। प्याज को जो है ग्राइंडर में अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे इसमें 1 कप। के अंदर 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। 1 कप टमाटो प्यूरी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून कटी हुई मिर्ची ऐड कर देंगे, को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको हम 5 से 10 मिनट्स अच्छी तरह से भून लेंगे। के अंदर 1 कप दही ऐड कर देंगे, को अच्छी तरह से भून लेंगे। के बाद इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और नमक हसबे जायका। अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें फ्रोज़न कोफ्ते ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर देंगे 3 से 4 कप। इसके पानी डालने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसके अंदर अंडे डाल देंगे उबले हुए 6 से 7। जीरा डाल देंगे 1/2 टीस्पून और कसूरी मेथी डाल देंगे 1 टीस्पून। फ्लेम को बंद कर देंगे। अंडे कोफ्ते जो रेडी हो गए हैं, अब इसको सर्व कर लेते हैं। सो व्यूअर, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो अंडे कोफ्ते हैं वो रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही मज़े के, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। कोफ्तों की रेसिपी बहुत ही जल्द आपको मेरे चैनल पर नज़र आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।